करेंगे 522 की डिस्कस द रोल ऑफ टीचर का, स्कूल का, फैमिली का क्या रोल है, ब्रिंगिंग इफेक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर स्वास्थ्य संबंधी चीजें उपलब्ध कराने के, स्वास्थ्य के बारे में अवेयर करने के लिए टीचर का, स्कूल का, फैमिली का क्या रोल होगा। टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट हाइजीन, टीचिंग करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल हाइजीन प्रिंसिपल इज अ वाइटल अचीव लाइफ लॉन्ग हैबिट इन द प्रिवेंशन एंड स्प्रेड ऑफ इलनेस एंड इन्फेक्शन, कि बच्चों को अंदर सही तरीके से हाइजीन के सिद्धांतों को सिखाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, सारी जिंदगी उनके साथ चलेगी। प्रिवेंशन होता है रोकना एंड स्प्रेड फैलाने से किसी भी प्रकार की बीमारी के संक्रामक रोगों को, बट ऑल्सो मेंटेन द सूटेबल अपीयरेंस एंड अवॉइड अफेंडिंग अदर्स, के उनके हाव भाव भी ठीक रहेंगे और दूसरे लोग भी उनसे नाराज नहीं होंगे। मेथड ऑफ एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन, कैसे पढ़ाएं एजुकेशन में, इंक्रीज इन एंजॉयबल पार्ट टाइम्स बाय मेकिंग एन इंटरगल पार्ट ऑफ एवरीबॉडी फैमिली लाइफ, इन बच्चों को इंजॉयबल पार्ट टाइम मतलब स्नान करें तो आनंद से करें, मेकिंग एन इंटरगल पार्ट बना दे उसका, प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड प्लेइंग विद द बार टॉयज, कि वे जब टॉयज हैं उनके साथ में गीत गा रहे, गाते हुए खेलते रहें, एंड विल मेक दिस ड्यूटी समटाइम्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर द चाइल्ड, एंड विल मेक क्लीनिंग्स एंड रिचुअल दैट विल बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ, यानी ड्यूटी बना ले समथिंग टू लुक फॉरवर्ड की फॉर द टू फॉर द चाइल्ड, बच्चे की तरफ आगे की तरफ देखना, विल मेक क्लीनिंग द रिचुअल, जो परंपरागत चीज है उनको साफ करना, विल बिकम पार्ट ऑफ लाइफ, बच्चे की एक आदत बना दे, उसकी जिंदगी का हिस्सा बना दे सफाई की तरफ। चिल्ड्रन शुड बी अबाउट बैक्टीरिया एंड फंगिस यूजिंग पिक्चर्स बुक, बच्चों को अवेयर करना चाहिए बैक्टीरिया के बारे में, फंगिस के बारे में, यूजिंग पिक्चर बुक प्रयोग करके एक्सप्रेस दैट द अलाउंग ऑब्जेक्ट एंड देमसेल्फ टू बिकम्स डर्टी, के इन वस्तुओं को अगर अपने पास आने दोगे तो गंदे हो जाओगे, नॉट गेटिंग क्लीन विल काज बैक्टीरिया, अगर साफ नहीं रहोगे बैक्टीरिया हो जाएंगे, मल्टीपल मल्टीप्लाइज एंड काजेस मोल्ड, मतलब कई गुना आपके अंदर बढ़ जाएंगे इसके कारण। चिल्ड्रन जो है शुड बी अलाउड टू प्ले आउटसाइड रेगुलरली, बच्चों को बाहर नहीं खेलना चाहिए, नियमित रूप से खेलने के लिए कह देना चाहिए, बट अडल्ट शुड एक्सप्लेन वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लीन सोयल क्लॉथिस एंड बॉडीज आफ्टर खेलने के बाद में, परंतु बड़ों को यह बताना चाहिए कि कपड़े साफ कैसे करने चाहिए अगर मिट्टी से धसे हुए या बॉडी को साफ करना जरूरी है। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू अटेम्प्ट टू क्लीन देयर ओन टीथ, बच्चों को अपने दांत साफ करने के लिए खुद जोड़ देना चाहिए, इवन इफ दे नीड क्लीनिंग आफ्टर, अगर जरूरत पड़े तो माँ बाप बाद में केयर कर सकते हैं, दे विल एंजॉय द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी सिखानी चाहिए, गिविंग रेगुलर एनकरेजमेंट टू मेंटेन देयर ओन हाइजीन को नियमित रूप से मेंटेन करें, रेगुलर प्रोत्साहन करें कि आप अपनी हाइजीन स्वास्थ्य को देखें, अलाउ देम टू हेल्प विद द लॉन्ड्रीज एंड हाउस वर्क, उनको सहायता करवाएं उनकी लॉन्ड्री कपड़े धोने में, घर के काम करने में, दिस वे दे विल लर्न टू करेक्ट द वे ऑफ द डूइंग इट एंड विल कैरी द नॉलेज विद देम थ्रू लाइफ, इससे उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और अपनी सारी जिंदगी चीजों का अपने साथ रखेंगे। गुड हाइजीन इन चाइल्ड केयर सर्विस इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, अच्छे स्वास्थ्य या केयर सर्विस, जैसे हम बच्चों की केयर के सर्विसेज कर रहे हैं तो जरूरी है, उससे ना क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होता किसी और से, बिटवीन चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में, एडल्ट के बीच में, एंड हेल्प चिल्ड्रन टू डिवर्ट हाइजीन हैबिट डेवलप, के बच्चों के अंदर हाइजीन हैबिट विकसित हो जाती है, दैट विल दे विल यूज थ्रू आउट देयर लाइफ, जिससे अपनी सारी जिंदगी यूज करेंगे। फैमिलीज विद चिल्ड्रन इन चाइल्ड केयर शुड बी एबल टू सी स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन, की जो परिवार है विद बच्चों के साथ में उनको देखना चाहिए कि वो सही स्टैंडर्ड हाइजीन के देखें, स्वास्थ्य के क्या क्या है, यूज बाई चाइल्ड केयर प्रोफेशनल, जो बच्चों की जो पेशेवर जो डॉक्टर वगैरह लोग बताते हैं उनको ध्यान से देखें, लेट मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जिससे इन्फेक्शन जो है कम होगा, उनकी बातों को पढ़ें या सुने। फैमिली से कैन असिस्ट सर्विस टू मेंटेन द हाइजीन इन्वायरमेंट्स, की परिवार भी सहायता ले सकते हैं उन सर्विस की, जो स्वास्थ्य के इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं, बाय फॉलोइंग सिंपल हाइजीन रूल, नियमों का पालन करके भी कर सकते हैं वाइल दे आर नॉट एट द सर्विस, एंड बाय यूजिंग गुड हाइजीन मेथड, अच्छे हाइजीन के तरीके अपना के अगर सर्विस में नहीं तो विद देयर चिल्ड्रन एट होम, घर के अंदर भी बच्चों को चीज सिखाई जा सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हाइजीन इन चाइल्ड केयर में क्या इंपॉर्टेंट, महत्व क्या है इसका, इन्फेक्शन कैन बी सेपरेट थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट विद पीपल, इन्फेक्शन जो है किसी भी बच्चे के अंदर संक्रामक रोग जो है संपर्क में आने से फैल सकते हैं, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के जो हवा के अंदर बूंदे होती हैं फ्रॉम काफिंग स्नीजिंग खांसने से या छींकने से आ जाती है एयरबोर्न ड्रॉप्स, फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद सर्फेस एंड ऑब्जेक्ट, किसी चीज को हाथ लगाने से उस कॉन्टैक्ट में आने से हो जाती है। चिल्ड्रन इन चाइल्ड केयर से कम इन टू कॉन्टैक्ट विद मैनी अदर चिल्ड्रन, कि बच्चे जो है ना बहुत से बच्चों के संपर्क में आते हैं और अडल्ट बड़ों के, एंड विद टॉयज खिलौनों के साथ में, फर्नीचर के साथ, फूड ईटिंग यूटेंसिल बर्तन वगैरह के साथ, दिस हाई डिग्री ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद पीपल, ज्यादा बच्चों और लोगों के साथ मिलना एंड इन्वायरमेंट के क्रिएट रिस्क पैदा हो जाता है, दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ
that children will be exposed to and spread infectious illness. अगर इस प्रकार के environment में होगा तो बच्चे जो है सामने आ जाते हैं उनको infectious मतलब संक्रामक बीमारी हो सकती है. While it is not possible for service to prevent the spread of all infection, क्योंकि ये संभव नहीं है कि सभी संक्रामक जो चीजें हैं उनको हम रोक सकें. They should be working to create a hygiene environment. पर तो ऐसा काम करना चाहिए कि ताकि वो उसके environment के प्रति सचेत हो, to minimize the spread of disease. कम से कम minimum effect तो इसका हो कि ज्यादा ना इफेक्ट हो पाए उनका. What hygiene method should child care service be using? भी किस प्रकार के तरीके अपना रही है child care services? Families should expect परिवार को आशा करनी चाहिए to see the range of hygiene method. किस पर एक श्रृंखला होती है hygiene के तरीके कौन कौन से होते being used by the service. भी जो बच्चों की केयर करने वाली है वो कौन कौन से मेथड अपना रही है एंड मिनिमाइज क्रॉस इन्फेक्शन. जिससे वो मतलब बार बार जो ये नर्सिस आती रहती है बताती रहती है ये तरीके अपनाओ कि क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा एक दूसरे से नहीं होगा इन्फेक्शन. दिस विल इंक्लूड प्रोसीजर एंड स्पेसिफिक प्रैक्टिस. विशेष तरीके से कोई प्रोसीजर करनी हो या विशेष कोई प्रैक्टिस करनी हो दैट आर कैरीड आउट बाय चाइल्ड केयर प्रोफेशनल. जो विशेष एक्सपर्ट होते हैं जो लोग प्रोफेशनल चाइल्ड केयर प्रोफेशनल होते हैं जो एंड चिल्ड्रन ऑन द डेली बेसिस और बच्चों के जहां डेली बेसिस पे होते हैं उनके हिसाब से करें. मेनी ऑफ दिस शुड ऑल्सो बी सपोर्टेड बाई रिटर्न हाइजन पॉलिसीज. काफी सारे रिटर्न में भी चीजें आई उनको पढ़ के भी काम कर सकते हैं. प्रोसीजर दैट आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज अथॉरिटी. मतलब वो रिकॉग्नाइज अथॉरिटी जो गवर्नमेंट सरकार जैसे नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल जो है ये रिटर्न में बच्चों के लिए सर्कुलेट करती रहती है चीजें बार बार. ये चीजों को माने पढ़ के उनको इम्प्लीमेंट करें. स्टेट राज्य सरकार एंड टेरिटरी हेल्थ डिपार्टमेंट और फूड स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सभी प्रकार की आती रहती है. आजकल नेटवर्क है कहीं भी किसी भी देश की देखी जा सकती है कि वहां पे चाइल्ड केयर सर्विसेज क्या है किसी देश की. हाइजीन स्ट्रेटजी दैट सर्विस शुड बी यूजिंग इन क्लेड. हाइजीन जो स्ट्रीट की रणनीति कूटनीति होती है हमारी क्या क्या चीजें होती है उसमें स्पोर्टिंग अडल्ट टू यूज थोरो हैंड वॉशिंग एंड टाइम्स. स्पोर्टिंग अडल्ट बड़ों को प्रेरित करना चाहिए कि वो हाथ सही धोए सुखाए उनके. एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू फॉलो सिंपल रूल्स. बड़ों को भी अवेयर करना चाहिए हैंड वॉशिंग कैसे करनी है ड्राई कैसे करना है उनको. बच्चों को अवेयर करना चाहिए फॉलो सिंपल रूल माने हाइजीन के सच एज हैंड वॉशिंग एंड बेसिक डेंटल केयर. दांतों की देखभाल कैसे करनी है हाथ कैसे धोने हैं. इंश्योरिंग इक्विपमेंट एंड टॉयर रेगुलरली क्लीन. जो भी हम यंत्र बच्चे प्रयोग कर रहे हैं कोई खिलौने उनके वास्ट एंड आर वेल मेंटेन अच्छी तरीके से उनको मेंटेन कायम करके रखें उनको साफ सुथरा करते रहें. कीपिंग फैसिलिटीज सच एज बाथरूम किचन स्लीप रेस्ट एरिया इस प्रकार का एरिया जो जो बच्चे ज्यादा यूज करते हैं या बड़े यूज करते हैं उनको साफ रखें एंड प्ले एरिया क्लीन और जो खेलने का एरिया वो भी साफ होना चाहिए. यूजिंग हाइजेनिक टॉयलेटिंग का प्रयोग करें मतलब समस्त चीजें टॉयलेटिंग वगैरह में जो भी साबुन वगैरह यूज करना है. नैपी चेंज मेथड बच्चों के जो होते हैं और नैप के उनको चेंज करें इसी तरीके से मेथड. हैविंग हाइजेनिक प्रोसीजर फॉर वीपिंग चिल्ड्रन. बच्चों को नोज साफ करना है तो उसके लिए भी सही तरीका अपना है. स्टॉप इलनेस फ्रॉम स्प्रेडिंग इन थ्रो हैंड वॉशिंग एंड ड्राइंग. मतलब बीमारी को रोक सकते हैं हम सही तरीके से थोरो हैंड वॉश. अगर हम सही तरीके से हाथ धो लेते हैं या सुखा लेते हैं तो थोरोली करने से भाई वॉशिंग हैंड से विद देयर चाइल्ड अपॉन अराइवल्स एंड डिपार्चर फ्रॉम द सर्विस. कि जब बच्चे जो उनके साथ में पेरेंट्स भी हाथ धो सकते हैं जब बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं. फैमिलीज कैन मिनिमाइज इन्फेक्शन इससे परिवार के अंदर भी इन्फेक्शन कम हो जाते हैं. दैट आर ब्रॉट इन टू एंड लीव द सर्विस जो बच्चे ले आते हैं ले जाते हैं. थोरो हैंड वॉशिंग एंड ड्राइंग एट होम कैन ऑल्सो रेनफोर्स गुड हाइजन. के पूर्ण रूप से हाथ धोना थोरो मन से सारे कंप्लीटली अच्छी आदत होती है बच्चों के अंदर एंड चिल्ड्रन मिनिमाइज द क्रॉस इन्फेक्शन. की मतलब होता है कम क्रॉस होता है एक दूसरे से लग जाना इन्फेक्शन हो रहा है. अदर हेल्पफुल हाइजीन प्रैक्टिस फैमिली कैन इंक्लूड और भी चीज हम यूज कर सकते हैं. रिमाइंडिंग द चाइल्ड अबाउट व्हेन दे शुड वॉश देयर. बच्चों को बार बार याद दिलाते हैं कब तुम्हें हाथ धोने हैं. फॉर एग्जाम्पल बिफोर ईटिंग खाने से पहले आफ्टर टॉयलेट करने के बाद में आफ्टर टचिंग एनिमल किसी जानवर को हाथ लगा दिया तो बार बार दिलाएं याद. प्रोवाइडिंग द चाइल्ड विद ए सप्लाई ऑफ स्पेयर क्लोथ अलग कपड़े दे दे फॉर होम घर के लिए. इन केस ऑफ टॉयलेटिंग एक्सीडेंट एंड फूड एक्सीडेंट्स एंड फूड एंड लिक्विड स्पिल्स के बच्चों के टॉयलेट के अगर दुर्घटना कुछ हो जाए तो एंड फूड खाने का समय कुछ हो जाए लिक्विड स्पिल मतलब तरल पदार्थ की जाए तो उसके लिए अलग से कपड़े दे दे बच्चों को पहनने पूछने के लिए. कीपिंग द चाइल्ड एट होम व्हेन दे आर इल अंटिल बच्चों को अलग रखे अगर बीमार हो जाए तो अंटिल दे आर नो लॉन्गर कॉन्टेजियस अगर वो संक्रामक नहीं रहते उनको रोग एंड आर वेल एनफ टू रिटर्न क्वे और अच्छे हो जाए जब तक अच्छे ठीक तरीके से ना हो जाए तब तक संपर्क में ना लाएं. वेल इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सर्विस टू इंटायरली प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन. भी संभव नहीं है कि हम पूर्ण रूप से इसको संक्रामक चीजों को बचा सके. They should be working to create a hygienic environment. परंतु ऐसे काम करना चाहिए कि environment, hygienic environment मतलब स्वस्थ वातावरण बना के रखें हम इनवे by following procedure that are recommended by relevant health authorities. Authorities जो है बार बार कोई भी बीमारी चल जाती है तो बताती रहती है उनको हम follow करें. Families can support service hygiene by following simple hygiene rule. एट द सर्विस जो भी सर्विस सेंटर बता रहे हैं तो परिवार उन चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं एट होम घर पे भी देख चल अपने बच्चों के साथ. स्कूल में हमने क्या करना स्कूल क्या कर सकता है स्कूल हाइजन और स्कूल हाइजेनिक हाइजन एजुकेशन.
स्कूल हाइजीन की बात करें, स्कूल हाइजीन और स्कूल हाइजीनिक एजुकेशन जो स्कूल में जो स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाती है, हेल्थ केयर साइंस इज ए हेल्थ केयर साइंस है वो, मतलब स्वास्थ्य की चिंता रखने वाले, ए फॉर्म ऑफ द वाइडर स्कूल हेल्थ एजुकेशन होता है, वाइडर स्कूल हेल्थ एजुकेशन होता है, मतलब स्कूल के अंदर हेल्थ के बारे में सब कुछ बता देते हैं। स्कूल हाइजीन इज अ स्टडी ऑफ स्कूल एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस, कि स्कूल हाइजीन का मतलब होता है स्कूल के एनवायरमेंट का अध्ययन करना, प्रभाव क्या पड़ेगा। इट एक्सप्लोर अफेक्शन ऑफ स्कूलिंग और मेंटल और फिजिकल हेल्थ ऑफ द, इससे एक्सप्लोर ये खोजते हैं स्नेह स्कूल के प्रति और मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का मानसिक और स्वास्थ्य हेल्थ कैसा है वो ढूंढना। द प्राइमरी एम ऑफ द स्कूल हाइजीन एजुकेशन इज टू इंप्रूव द बिहेवियर टू यूजफुल प्रैक्टिस, प्रमुख उद्देश्य स्कूल स्वास्थ्य एजुकेशन का है तो इज टू इंप्रूव बिहेवियर, मतलब व्यवहार को सुधारना, थ्रू यूजफुल प्रैक्टिस कनेक्टेड टू पर्सनल, जो सही प्रैक्टिस अपना के जो व्यक्तिगत तरीके से जुड़ी हो बच्चों के साथ, वाटर की पर्सनल उनके व्यक्तिगत, पानी की, फूड की, डोमेस्टिक घर की, पब्लिक हाइजीन या सार्वजनिक तरीके से जो रहने स्वास्थ्य। आल्सो इट्स एम टू प्रोटेक्ट वाटर एंड फूड सप्लाई एंड सेफ्टी मैनेज एनवायरमेंट फैक्टर, स्कूल को यह भी देखना चाहिए पानी को या फूड सप्लाई जो खाना वाना उपलब्ध करा जा रहा है कि वहां पे जो कैंटीन वगैरह है सेफ्टी मैनेजमेंट एनवायरमेंट फैक्टर वहां पे सही है कि नहीं, गंदा जो चीजें नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही है। स्कूल कैन डिटरमाइन चिल्ड्रन हेल्थ एंड वेलबींग बाय देयर एक्सपोजर टू ए हेल्थी और अनहेल्दी स्कूल, स्कूल चाहे निर्धारित करता है कि बच्चों की हेल्थ कैसी रहेगी, उनके वेलबींग अस्तित्व के लिए कि हेल्दी इन्वायरमेंट दें, अनहेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर बीमार होंगे। देर आर ए लॉट ऑफ आर्किटेक्चर एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट रिलेटेड टू द एमरजेंसी, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो हम सौंदर्य चीजों को रिलेटेड टू द स्कूल हाइजीन से संबंधित हैं, नीड्स उनकी सच है, जैसे स्कूल बिल्डिंग की प्लान करते हुए हम ध्यान रखें कि कैसे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कैसी बिल्डिंग ठीक रहेगी, सेफ वाटर सप्लाई सही होनी चाहिए, डिस्पोजिशन ऑफ जो वेस्टीज है, जो कूड़ा करकट है गार्बेज उसको कहां पे ठिकाने लगाएंगे, इमरजेंसी लाइट अगर लाइट चली जाए तो इमरजेंसी लाइट का प्रबंध होना चाहिए, हीटिंग्स गर्मी की जरूरत है तो उसके और वेंटिलेशन मतलब हवा के क्रॉसिंग की सही होनी चाहिए, एज वेल एज एजुकेट स्कूल फैसिलिटीज, मतलब और भी दूसरी स्कूल फैसिलिटीज होनी चाहिए जैसे हॉल हो, क्लासरूम बड़े हो, कॉमन एरिया एंड फर्नीचर बैठने की सुविधा बच्चों की सही हो, कॉमन एरिया हो बच्चों का अलग से बैठ सके। स्कूल हैव द सेंट्रल प्लेस इन द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, स्कूल का एक अहम भूमिका होती है कम्युनिटी में हेल्थ में। इन अप्रोप्रिएट हाइजीन इन स्कूल कैन काज मेनी डिजीज, अगर स्कूल का एनवायरमेंट हाइजीन स्वास्थ्य संबंधी चीजें ठीक नहीं है, एनवायरमेंट सही नहीं है वहां का, तो काफी सारी बीमारियां हो सकती है। इफ देर आर नो स्कूल सैनिटेशन, देर आर नो स्कूल सैनिटेशन, अगर स्कूल में स्वास्थ्य की चीजें नहीं है, सफाई की सुविधा नहीं है, एंड हाइजीन फैसिलिटी नहीं है, एंड इफ दे आर नॉट मेंटेन, अगर उनको कायम नहीं रखते हैं एंड यूज एडुकेटली पर्याप्त तरीके से प्रयोग नहीं करें, स्कूल बिकम ए प्लेस वेयर डिजीज आर लाइकली ट्रांसमिटेड, कि स्कूल का ऐसा स्थान समझा जाएगा जब बीमारियों का घर है, ये ट्रांसमिट बीमारियां ट्रांसफर की जाती है। अब रोल ऑफ टीचर्स का रोल क्या रहेगा इसमें, इंश्योर एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर हॉस्पिटल तक प्रोवाइड करवाए, प्रोवाइड ए सिस्टम फॉर डीलिंग विद क्राइसिस मेडिकल सिचुएशन, अगर कोई स्थिति बुरी आ गई है, मुश्किल की स्थिति आ गई तो ऐसा सिस्टम अपना इसका सामना डील विद सामना कैसे करना टीचर बताएगा। प्रोवाइड मैंडेटेड स्क्रीनिंग एंड इम्यूनाइजेशन मॉनिटरिंग, मतलब जो टीकाकरण की सुविधा होती है या देखने की सुविधा होती है उसको करें, इम्यूनाइजेशन मॉनिटरिंग मतलब टीकाकरण वगैरह जो जैसे एल्बेंडा जोन की टैबलेट्स देते रहते हैं स्कूल के अंदर, ये चीजें देखते रहें टीचर को। प्रोवाइड सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन सॉल्यूशन ऑफ स्टूडेंट हेल्थ एंड एजुकेशन प्रॉब्लम, प्रोवाइड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन पहचान, मतलब किसी को बच्चे को बीमारी हो गई है तो कैसे उसको पहचानेगा, सॉल्यूशन बच्चों को कैसे देंगे हेल्थ के और एजुकेशन प्रॉब्लम जो होगी उसकी उसके बारे में टीचर बताएगा। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एप्रोप्रिएट हेल्थ एजुकेशन, सही तरीके से विस्तार से और उचित हेल्थ एजुकेशन टीचर्स का रोल है। प्रोवाइड हेल्पफुल एंड सेफ स्कूल एनवायरमेंट, सेफ स्कूल एनवायरमेंट देना, दैट फैसिलिटेटेड लर्निंग, जिससे जो पढ़ाने में दिक्कत ना आए, बच्चे सही तरीके से एनवायरमेंट के अंदर सीखे। प्रोवाइड सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन का मूल्यांकन का आकलन कैसा तरीका हो, इफेक्टिवनेस प्रभावित हो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के लिए जो प्रभावित हो।